अगर आप चाहते हैं कि आपका कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा बिना यीस्ट का एकदम परफेक्ट बने तो ये वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी पिज़्ज़ा, ये नहीं कोई भी पिज़्ज़ा हमेशा परफेक्ट बनेगा कढ़ाई में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये परफेक्ट बना है एकदम। सबसे पहले लेना है मैदा, इसकी जगह पे आप आटा भी ले सकते हैं। एक कप मैदा लेना है, यानी कि तकरीबन 150 ग्राम। उस मैदे में ऐड करना है, मेजरमेंट्स प्लीज़ ध्यान से देखिए, आधा कप दही का। ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दही है, क्योंकि इस दही को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे आटे को बहुत अच्छे से फुलाने के लिए। इसके बाद यूज़ करना है 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर का, उसके बाद 1/2 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा का। साथ ही साथ इसे बहुत अच्छा एक्सपांशन फूलना देने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ 1/2 टीस्पून, यानी कि 1 पिंच भर जो हमारा साइट्रिक एसिड होता है वो। इसका रोल मैं बाद में आपको बताऊंगी। इसके बाद इसमें नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून शक्कर डालना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जो हमने खट्टी चीज़ें डाली हैं उनका खट्टापन बैलेंस हो जाए। तो साइट्रिक एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा होता है वो साइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और अच्छा आटे को फूलने में मदद करता है। तो ये इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसका ढीला सा आटा गूंध लेना है। अगर आपको लगता है कि आप इतना ढीला आटा हैंडल नहीं कर पाते, ये देखिए अभी से इसमें काफ़ी सारे बबल्स आ गए हैं, और थोड़ी देर जब हमारा साइट्रिक एसिड भीगता है तो इसमें और ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं। अगर आपको लगे कि आप इतना ढीला आटा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आटे को थोड़ा सा और टाइट कर दें, जैसे आप इसे हैंडल कर सकें। जब तक आटा हमारा 5 से 6 मिनट तक रेस्ट करता है, तब तक हम इसका सब्जियों का मिक्स बना लेते हैं पिज़्ज़ा बेस में डालने के लिए। मिक्स सब्ज़ियाँ ले लें अपने पसंद के हिसाब से, थोड़ा सा उसमें चिली फ्लेक्स डाल दें, और उसके बाद इसमें डाल दें थोड़ा सा ओरिगैनो, जिससे इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ा सा टोमेटो सॉस। सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर लें, यानी कि जो भी आपके घर में सब्ज़ी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लें। अब इसे मिला के इसका एक सॉस बना लेंगे, जो हम हमारे स्टार पिज़्ज़ा में स्प्रेड करने वाले हैं। ये जो बेस मैं बता रही हूँ आपको, आप किसी भी पिज़्ज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल जैसे खमीर आता है उस तरीके का आटा फूला हुआ बन गया है, बिल्कुल टेस्टी। और अब आटे की मदद से इसे थोड़ा सा सॉफ्टन करके इसका एक जो हमारा चपाती रहता है वैसा बेल लेंगे। लेकिन ये मैंने जो हमारा आटा था उसका आधा हिस्सा लिया है, यानी कि 2 पोर्शंस में डिवाइड करके ले लिया है। इस तरीके से इसका हम, अगर आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा गीला है आटा, तो थोड़ा सा आटा मिक्स कर लें, एक वाटी ले लें, उससे एक बारीक सा मार्क लगा लें, यानी कि सिर्फ मार्क लगाना है, इसे चीर नहीं देना है नीचे तक। इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर ऊपर सिर्फ मार्क लगना चाहिए। पिज़्ज़ा कटर या नाइफ की मदद से इसे 4 चीर दे दें, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि जो मार्क है उसके अंदर ही 4 चीर होने चाहिए, बाहर नहीं। तो इस तरीके से मैं 4 चीर दे दूँगी, यानी कि इन्हें 8 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लूँगी। अब जो हमारा मिक्स है, सब्जियों का मिक्स जो हमने बनाया था, वो सिर्फ इनर पोर्शन में डालना है, चीर के बाद वाले एरिया में, बाहर का एरिया ऐसे ही छोड़ देना है स्टार पिज़्ज़ा बनाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से अब ये पूरा स्प्रेड कर लेना है। ये इस तरीके से जो एरिया है वो बाहर का बिल्कुल छूट जाना चाहिए और अंदर के एरिया को टच नहीं करना चाहिए, वरना हमें स्टार पिज़्ज़ा बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा हम कवर कर लेंगे, साथ ही साथ जहाँ पे हमने चीर मारे हुए हैं वहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे स्टार को चिपकाएंगे तो हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छे से चिपक जाना चाहिए। जब ये फूलेगा तो ये बाहर नहीं आ जाना चाहिए, यानी कि छूटना नहीं चाहिए। अब हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर चीज़। चीज़ स्प्रिंकल कर लेने के बाद जो बीच वाला पोर्शन है उसे बाहर के पोर्शन से इस तरीके से स्टिक कर देना है, जैसे मैं आपको इमेज में वीडियो में प्रॉपरली दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम सारे के सारे स्टिक कर लेंगे, लेकिन मैं आपको 2 दिखाती हूँ और 2 के बीच में जो हमारा पोर्शन बचता है उसका क्या करना है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर मैं मेरे सारे के सारे इस तरीके से बंद कर लूँगी। ये देखिए जब हम 2 इस तरीके से स्टिक करते हैं, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है उसका क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये मेरे दोनों के दोनों स्टिक हो गए हैं और अब ये जो गैप है इसे इस तरीके से स्टार का शेप दे देना है। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इसे बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आप इसे बेल के पार्चमेंट पेपर के ऊपर यानी बट्टा पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं। उसके बाद बट्टा पेपर को डायरेक्ट आप बेकिंग ट्रे में स्लिप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा बना लिया है और अब मैं इसे एक ट्रे में, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप बट्टा पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आराम से ट्रे के अंदर स्लिप कर दें। अब ये जो दूध वाला मिक्स है इसमें मैंने शक्कर मिला दी है, क्योंकि जब हम कढ़ाई में बेक करते हैं तो ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा सा सफ़ेद रह जाता है। जितना हो सके हम ट्राई करेंगे कि वो रेड हो, उसके लिए हम दूध में थोड़ा सा पिसा हुआ शक्कर डाल के उसे अच्छे से ब्रश की मदद से पूरे के पूरे पिज़्ज़ा को हैंडल कर लेंगे। अब जो कढ़ाई है उसमें मैंने पहले से ही नमक डाल के रखा था, ऊपर से मैं थोड़ा सा और नमक वाला तवा रख रही हूँ ताकि ये और अच्छे से हीट हो जाए। 20 मिनट तक इसे बिल्कुल नहीं देखना है, 20 मिनट के बाद आप देखिए ये कैसा हो गया है। तो अगर आपके पास ऐसा तवा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे इसी तरीके से ढक सकते हैं और अगर आप चाहें तो नीचे से रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे से जो हमारा ग्रिल रहता है वो रख के भी आराम से रख सकते हैं और जो हमारी थाली है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकालें इसे और साथ ही साथ जब आप इसे सर्व कर रहे हैं तो तवे पे थोड़ा सा गर्म करके ऊपर से चीज़ स्प्रिंकल करके सर्व करें तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। जैसे कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तवे पे निकाल के गर्म करके और फिर थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल करके सर्व किया था। रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ, सजेस्ट करें कि इसमें कुछ चेंजेस आपको चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही वंडरफुल रेसिपी के साथ। बाय, अपना ध्यान।